बजट में आम आदमी के लिए टैक्स से जुड़े ऐलान सबसे खास होते हैं। हर बार इसमें कमी की उम्मीदें होती हैं, खासकर चुनाव के पहले और बाद के सालों में तो सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स में कमी की होती है। लेकिन हर बार बजट भाषण का इंतजार सब्र का मीठा फल बनकर नहीं आता। कभी कभी इसमें बढ़ोतरी लोगों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करती है। इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने अगले बजट के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में इंडस्ट्री और ट्रेड एसोसिएशन से सुझाव मांगे हैं। हर बार वैसे तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन होता था इंडस्ट्री का और सब लोगों से सजेशन मांगते थे, बट इस बार सजेशन बहुत अच्छे से मांगे हैं। दे इशूड ए सर्कुलर कि आप सब लोग सजेशन दो, इंडस्ट्री से सजेशंस मांगें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए। सिर्फ सजेशन ही नहीं है, सजेशन के साथ उन्होंने जस्टिफिकेशन भी मांगे हैं कि आप अपने जस्टिफिकेशन भी दो, जो आप चाहते हो वो आप क्यों चाहते हो, उसके यदि कोई सपोर्टिंग डेटा देना है तो आप वो भी दे सकते हो। इससे एट द एंड ऑफ द डे जो भी सजेशन जाएंगे वो क्वालिफाइड होंगे, समझ के साथ जाएंगे, तो गवर्नमेंट को भी वो एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। हालांकि बजट की तैयारी के लिए मंत्रालय अलग अलग सेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स से चर्चा करता है, लेकिन ये पहली बार है जब रेवेन्यू विभाग ने सर्कुलर जारी करके लोगों और कॉर्पोरेट्स के लिए इनकम टैक्स रेट और एक्साइज और कस्टम ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में बदलाव करने के बारे में सलाह मांगी है। 11 नवंबर को जारी किए गए इस सर्कुलर में उद्योग और ट्रेड एसोसिएशन को कहा गया है कि वो ड्यूटी स्ट्रक्चर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के स्ट्रक्चर पर टैक्स बेस दरों और उनमें बदलाव की सलाह दें। सुझाव के साथ उसका आर्थिक स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सर्कुलर में लिखा है कि आप अपने सुझाव और विचार को जस्टिफाई करने के लिए उपयुक्त आंकड़े दे सकते हैं या अपने प्रस्ताव के समर्थन में कोई और जानकारी जमा कर सकते हैं। मंत्रालय ने 21 नवंबर तक ये सुझाव मांगे हैं। इसी बीच इस टैक्स छूट पर सलाह के साथ खबर आई है कि 2017-18 के 82% असेसमेंट प्रोसीडिंग अभी तक पेंडिंग है। इन सभी को 15 दिसंबर तक पूरा ना करने पर आयकर विभाग पेनल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। इस बार सारा कुछ ई असेसमेंट से हो रहा है, थोड़ी सी एसएससी को भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारी चीज़ें अपलोड करने में, बनाने में। सिमिलरली टैक्स ऑफिसर्स को भी उस तरह से पूरा सपोर्ट नहीं है, वो उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम है सारा सबमिशंस निकालना, समझना, पढ़ना और फिर नेक्स्ट क्वेश्चनर इशू करना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है, इस बार डिले हो गया, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें दिसंबर में क्लोज करनी है। गवर्नमेंट ने इंटरनल गाइडलाइंस इशू करी है कि 15 दिसंबर तक ये सब खत्म करें, और इसलिए अब टैक्स ऑफिसर्स एसएससीज को ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहे रिप्लाई करने का। आयकर विभाग ने सलाह दी है कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, जिससे आखिरी घंटे में सर्वर पर ज्यादा दबाव पड़ने की आशंका को कम किया जा सके। आज तक ब्यूरो।